जय भोलेनाथ दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए ऐसा जबरदस्त वशीकरण उपाय जो कि अत्यंत सरल और कारगर है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में। वीडियो को अभी से लाइक करें, बाद में आप भूल भी सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाएं, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, चलिए उपाय को जानते हैं। दोस्तों, ये जो दिव्य बूटी आप देख रहे हैं, इसे काकाजंगा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभिन्न नाम है। आपके प्रांत में इस बूटी को किस नाम से जाना जाता है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि इस औषधि का सभी को लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर इसका नाम लिखें। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जिस रविवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र आए उससे एक दिन पूर्व यानी शनिवार को आप इस बूटी को विधिपूर्वक निमंत्रण देकर अपने घर आए। फिर दूसरे दिन यानी रविवार के दिन जब पुनर्वसु नक्षत्र हो तो उस दिन सुबह स्नाना जी से पवित्र होकर इस बूटी के पास जाए और उसे नमस्कार करके प्रार्थना करें कि आप हमारा कार्य सिद्ध करें। इसके बाद दोस्तों, इसे जड़ सहित आप उखाड़ कर अपने घर लेकर आए और घर लाने के बाद इसे किसी पवित्र स्थान में अथवा प्लेट में रखें और इसको एक बार गुग्गुल की धुनी दे तो ये बूटी सर्वथा सिद्ध हो जाएगी। फिर इसे छाया में सुखाकर इसका बारीक पाउडर बनाकर रखें। जब आपको किसी को भी वश में करना हो तो इस पाउडर में से थोड़ा सा पाउडर लेकर इसमें गोरोचन और थोड़ा सा पानी मिलाकर इच्छित स्त्री या पुरुष का नाम लेकर इसे अच्छी तरह से घोट लें। जब यह अच्छी तरह से घुल जाए तो इच्छित व्यक्ति के नाम पर इसका तिलक अपने माथे पर लगाए और उस व्यक्ति के सामने जाए। तो दोस्तों, ये छोटे से प्रयोग से निश्चित ही वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो दोस्तों, ये साधारण और आसान प्रयोग आपको इतना ज़बरदस्त लाभ देगा, आप इसका लाभ एक बार जरूर उठाएं। दोस्तों, काकाजंगा के तांत्रिक लाभ कई हमारे प्राचीन ग्रंथ में मिलते हैं। इसे कई प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उसमें से बहुत ही रेयर उपाय मैं आज आपको बताया है मैंने। तो दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसके और भी आपको तांत्रिक उपाय बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।